आज हम एमएलए और एमपी का कंपेयर करेंगे। तो फर्स्ट आती है उनकी फुल फॉर्म। एमएलए का फुल फॉर्म होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसको हिंदी में विधायक भी कहती है। उसके बाद आती है एमपी। एमपी का फुल फॉर्म होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिसको हिंदी में सांसद भी कहा जाता है। एमएलए विधानसभा का एक सदस्य होता है, जिन्हें वोटरी द्वारा चुने जाता है और ये राज्यों का विधानसभा में बैठने का अधिकार मिलती है। एमपी को सांसद कहती है और ये सांसद का एक सदस्य होता है, जिसको भी वोटरी द्वारा चुने जाता है और ये पार्लियामेंट में बैठने का अधिकार मिलती है। अब एमएलए और एमपी का काम के बारे में डिस्कस करेंगे। तो एमएलए के बारे में बात करती है। फर्स्ट, एक विधायक अपने क्षेत्रों का जनता के लिए काम करता है और जनता की समस्याओं, जनता का जो समस्या है उस समस्या को राज्य सरकार तक लेकर जाना ही उसका असली काम होता है। और उसी क्षेत्र के विकास के लिए जो फंड मिलती है वो फंड जनता की सेवा में लगाना ही उसका असली काम। दूसरी आती है, नया नया जो कानून आती है राज्य सरकार तरफ से या फिर केंद्र सरकार की तरफ से, उस कानून को समर्थन करना या फिर विरोधिता करना उनका पूरा हक रहती है। और किसी भी प्रकार स्थानीय मुद्रा को राज्य सरकार तक पहुंचाना विधायक का काम ही होता है। आप एमपी का काम क्या है? एमपी का काम से पहले हम जान लेते हैं एमपी कितने प्रकार का होता है। बेसिकली एमपी तीन प्रकार का होता है, सांसद राष्ट्रपति, लोकसभा सांसद, राज्यसभा सांसद। इस प्रकार तीन प्रकार होता है। अब एमपी का काम के बारे में बताते हैं। वो जिस एरिया से चुने जाता है उस एरिया का जो प्रॉब्लम होता है उस प्रॉब्लम को केंद्र सरकार यानी पार्लियामेंट में उठाना ही उसकी असली काम है। और उसका सॉल्यूशन निकाल कर जो फंड मिलती है उस फंड को राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों के मिलाकर काम को कंप्लीट करना ही उसका असली काम होता है। इनके लाभ भारतीय जातीय सुरक्षा व्यवस्था के बारे में बात करती है और विदेश नीति, लॉ एंड ऑर्डर, फाइनेंशियल कम्युनिकेशन, इन सारी कुछ के बारे में इन्होंने डिस्कस करती है और इनका राय देती है। अब क्वालिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। एमएलए या फिर आप एमपी बनना चाहते हो तो आपको पास क्या क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए? एमएलए बनने के लिए आपको मस्ट बी इंडियन सिटीजन होना चाहिए और आपका एज 25 ईयर्स ओल्ड होना चाहिए। और आप जिस स्टेट का एमएलए बनना चाहते हो उस स्टेट का एक रजिस्टर वोटर होना चाहिए और आप साउंड माइंडेड होना चाहिए। अब आती है एमपी। एमपी बनने के लिए भी सेम इंडिया सिटीजन होना चाहिए और एज 30 इयर्स होना चाहिए और साउंड माइंडेड होना चाहिए। इन दोनों का पावर के बारे में बात करूं तो एमएलए का पावर सिर्फ राज्यों का विधानसभा तक सीमित है और एमपी का पावर केंद्रों का पार्लियामेंट तक है। आप इनकी सैलरी के बारे में डिस्कस करते हैं। एमएलए का जो पर मंथ सैलरी रहती है वो 50,000 से लेकर 2.5 लाख तक होता है। हमारा देश में से तेलंगाना राज्यों का एमएलए को ज्यादा पैसा दिया जाता है। और इनकी पेंशन के बारे में बात करता है, इनको पेंशन भी मिलती है पर मंथ 15,000 कर पेंशन इनको मिलती है। अब एमपी के बारे में बात करता है। एमपी का जो पर मंथ सैलरी रहती है वो 1 लाख से ऊपर रहती है और इनको फ्री में ट्रैवल और फ्री में मकान भी दिया जाता है और इनको पेंशन 25,000 पर मंथ पेंशन मिलती है।